नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एकदम ऊपर नहीं, एकदम नीचे से नहीं, आज हम दोस्तों बादलों की सवारी करेंगे विथ ज़ेब्रोनिक्स का H110 मदरबोर्ड के साथ। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड जो है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मदरबोर्ड है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से। जैसे कि आप सभी को मालूम है ज़ेब्रोनिक्स नॉर्मली जो 61, 41 जो लो बजट्स के जो मदरबोर्ड है वो मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन दोस्तों अभी ये लोग जो लो बजट है लो बजट से सीधा प्रीमियम लेवल पे भी आ चुके हैं। लो बजट के साथ साथ अभी ये प्रीमियम पे भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है ज़ेब्रोनिक्स का H110 मदरबोर्ड, 110 मदरबोर्ड जो है ये 6th जनरेशन और 7th जनरेशन के जो प्रोसेसर है उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया है। और मज़े की बात दोस्तों, इस मदरबोर्ड के अंदर ज़ेब्रोनिक्स ने फर्स्ट DDR4 रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। मतलब इस मदरबोर्ड के साथ आप DDR4 के जो रैम है वो लगा पाएंगे। लगभग आप इसके अंदर 128GB तक रैम बूस्ट कर सकते हैं। एक एक इसके अंदर दो चैनल आपको मिलता है रैम का, तो आप एक एक में 64GB करके रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि किस लेवल का मदरबोर्ड ज़ेब्रोनिक्स ने इस बार मैन्युफैक्चर किया है। आगे वीडियो में मैं इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करूंगा और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो मैंने इस मदरबोर्ड को 5,000 रुपये में परचेस किया है। आपको भी दोस्तों लगभग 5,000 के आसपास इसका प्राइस आ जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी आप लोग 5,000 के अंदर ही आपको ये जो मदरबोर्ड है मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं इस मदरबोर्ड के जो सॉकेट की बात करूं तो ये है LGA1151 सॉकेट, और इस सॉकेट के अंदर आप i3, i5, i7 तक 6th जनरेशन और 7th जनरेशन के प्रोसेसर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द ये जो मदरबोर्ड है अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से H110 मदरबोर्ड, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LGA1151 का सॉकेट है और नीचे यहाँ पे मेंशन है ज़ेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड। दोस्तों सबसे पहली बात, नॉर्मली जो ज़ेब्रोनिक्स के जो पैकेट आते हैं उनसे ये कुछ थोड़ा सा अलग मैं चेक जैसे कि देख पा रहा हूँ और आप भी चेक कर पा रहे हो कि इसका जो पैकिंग है पैकिंग थोड़ा अलग है। और नॉर्मली ज़ेब्रोनिक्स किसी भी अपने मदरबोर्ड को अंदर सील नहीं लगाता है, तो इसमें आपको प्रॉपर सील पैक कंडीशन में मिल जाता है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ खास होगा इस मदरबोर्ड के अंदर। और दोस्तों इसके अगर कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करता है जैसे कि मैंने बताया वो अगर आपको मैं दिखा दूँ एक बार, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं i3, i5, i7, Celeron, Pentium, 6th एंड 7th जनरेशन का सभी प्रोसेसर यहाँ पर सपोर्ट करेगा। और दोस्तों जैसे कि आप इसके नीचे देख सकते हो H110 का चिपसेट लगा हुआ है, PCI एक्सप्रेस है जहाँ पे आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स कार्ड 1.5 लाख के भी ग्राफिक्स कार्ड इस मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 आपको साटा पोर्ट मिलता है, USB 3.0 का सपोर्ट इनबिल्ट दिया गया है, DDR4 का रैम सपोर्ट है, और इनका भी जो पोर्ट्स है जो ऑडियो पोर्ट, लैन पोर्ट, VGA पोर्ट है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। बस VGA नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको HDMI का जो पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसकी MRP की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 9,000 रुपये इसका MRP है, और न्यू वर्जन है तो 9,000 रुपये तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों इसका प्राइस। इसका प्राइस दोस्तों आपको ऑफलाइन या फिर अगर आप ऑनलाइन मार्केट में परचेस करने जाए तो लगभग आपको ये प्रोडक्ट 5,000 के अंदर ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द इसका जो सील है उसको कर लेते हैं हम कट। तो दोस्तों सील को कट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा नाइफ, और यहाँ पे मैंने इससे किया सील को कट। और दोस्तों अभी समय है हमारा नया मदरबोर्ड देखने के। ओ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, दोस्तों ये तो बहुत अमेजिंग बात है। गीगाबाइट कह लीजिए, जो आसूस कह लीजिए, वो भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है। जैसा कि आप देख सकते हो दो बॉक्स हमें मिलता है, बहुत मज़ा आया दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के टाइम ही मज़ा आ गया। यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ भी नहीं है, और नया जो मदरबोर्ड
का बॉक्स है, वो भी दोस्तों बहुत ही अमेजिंग और गुड लुकिंग बॉक्स जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ऊपर ज़ेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड और क्या कौन सा मॉडल है वो भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में ज़ेब्रोनिक्स लिखा है और पीछे भी सेम जो है साइड में सामने की तरफ जो है वही पीछे साइड में भी सेम बात है लिखा हुआ है ज़ेब्रोनिक्स का प्रीमियम क्वालिटी का जो दोस्तों बोर्ड है देख के ही समझ आता है। चलिए दोस्तों अभी हम इसको करते हैं ओपन। तो ये हम दूसरी बार एक ही मदरबोर्ड के बॉक्स को दो बार करके ओपन कर रहे हैं। ओ तो दोस्तों अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक साटा केबल, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपको रेड कलर के जैसा साटा केबल देखने को मिलता है मदरबोर्ड के साथ फ्री में। वही जो केबल है वही हमें देखने को मिलता है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। और नेक्स्ट आइटम की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमें यहाँ पे आईओ शील्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको HDMI VGA दोनों का ही पोर्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको भी रखते हैं हम साइड में। और नेक्स्ट आइटम की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमें मिलता है एक ड्राइवर डिस्क। और दोस्तों इस ड्राइवर डिस्क के अंदर आपका सारा ड्राइवर स्टोर किया गया है। अगर दोस्तों आप विंडोज 7 यूज़र हो तब तो ये ड्राइवर डिस्क आपका काम का है, नहीं तो विंडोज़ अगर 11 या फिर 10 यूज़ करते हो तब तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको रखते हैं हम साइड में। देखते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अगला जो आइटम है दोस्तों हमें मिल जाता है यूज़र मैनुअल गाइड। और दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि जो ये जो फ्रंट पैनल का जो कनेक्टर है उनको कैसे इंस्टॉल कैसे लगाया जाता है तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाया है। टोटल वीडियो उसमें मैंने समझाया है कि कैसे आप जो फ्रंट पैनल के जो कनेक्टर है वो कहाँ कहाँ पे लगता है, तो वो वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो। और उसके साथ हमें एक और ज़ेब्रोनिक्स के बारे में कुछ अच्छे बातें देखने को मिल जाता है एक और पेपर के अंदर। अभी रखते हैं इन सभी को साइड में और देखते हैं दोस्तों हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो चमचमाता हुआ एकदम सील पैक कंडीशन में प्रीमियम क्वालिटी का मदरबोर्ड हमारे हाथ में आ चुका है। चलिए दोस्तों अभी एक काम करते हैं मदरबोर्ड को रखते हैं साइड में और पहले ये जो कचरा है इनको साफ किया जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने मदरबोर्ड अभी आ चुका है। अभी हम इसका जो सील है उसको करेंगे कट और पीछे की तरफ एक ही सील लगा हुआ है और हमने सील को भी कट कर लिया है। और दोस्तों मदरबोर्ड का जो क्वालिटी है वो तो मैंने पहले ही बताया बहुत बढ़िया है। दोस्तों मुझे ना ज़ेब्रोनिक्स का एक बात बहुत ही अच्छा लगता है कि वो कुशन प्रोवाइड करते हैं ऐसा थर्मोकॉल टाइप का एक फोम का सॉरी थर्मोकॉल तो नहीं है फोम है फोम का एक कुशन प्रोवाइड करता है जो कि जो मदरबोर्ड के पीछे जो कंपोनेंट्स के जो सोल्डिंग है इनको प्रोटेक्ट कर पाए। और ये भी दोस्तों बहुत काम आता है जो जब हम पीसी बिल्ड करते हैं तो इनको भी यूज़ करते हैं। मदरबोर्ड के नीचे इसको रख के मदरबोर्ड को हम कैबिनेट के अंदर लगाते हैं ताकि कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के कोई भी पार्ट में शॉर्ट सर्किट ना हो। चलिए वो तो अलग बात हो गया, अलग वो मैं अलग वीडियो में बात करूँगा उसके लिए। लेकिन अभी अगर इस मदरबोर्ड की बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसके ऊपर बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी आप कैपेसिटर देख रहे हो सभी आपको यहाँ पे सॉलिड कैपेसिटर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर्स है सॉलिड कैपेसिटर होने की वजह से मदरबोर्ड बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। और दोस्तों ये जो सॉलिड कैपेसिटर्स है और ये सभी आपका जापान में मैन्युफैक्चर हुआ है। और दोस्तों इसके अगर पोर्ट की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पुराने वाले हमें माउस और कीबोर्ड का पोर्ट दिया गया है, उसके नीचे ही हमें HDMI VGA दो 2.0 USB दो 3.0 USB और उसी के साथ RJ45 इंटरनेट का पोर्ट और 5.1 का साउंड सिस्टम कनेक्टर 3.5 mm जैक भी हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मदरबोर्ड में जो रैम का स्लॉट है रैम का स्लॉट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसके अंदर दो रैम का स्लॉट देखने को मिलता है। एक एक स्लॉट में आपका
64GB करके आप रैम लगा सकते हो। और उसके ठीक नीचे ही दोस्तों हमें एक जो ग्राफिक्स कार्ड का पोर्ट PCI स्लॉट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, 3050 हो गया, 3060 या फिर 3080 जो टाइटन है वो भी आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो, ये वो भी सपोर्ट करता है। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ज़ेब्रोन का भी लोगो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो आप पोर्ट देख रहे हो ये LGA1151 का पोर्ट है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये नया वाला पोर्ट है जो 6th और 7th जनरेशन के प्रोसेसर को हैंडल कर सकता है। तो चलिए अभी इसको तो जैसे था वैसे ही रख देते हैं, अगर थोड़ा सा भी पिन में टच हो गया तो पिन डैमेज हो सकता है। अच्छा चलो दोस्तों इसके और फीचर की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 24 पिन कनेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इस तरफ हमें देखने को मिलता है 4 पिन कनेक्टर। और इसका अगर मैं साटा पोर्ट्स की बात करूं तो जैसे कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हो आपको यहाँ पे 4 साटा पोर्ट देखने को मिलता है, और ये चार साटा पोर्ट ही आपको 3.0 में बेस्ड है। और नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे स्पीकर का जो पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये गाना बजाने वाला स्पीकर नहीं, ये बीप वाला स्पीकर है। और यहाँ पे दोस्तों आपको फ्रंट पैनल का कनेक्टिंग की पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिस्टम फैन का सपोर्ट देखने को मिलता है, ऑडियो पोर्ट इधर है, और यहाँ पे आपको 2 USB 2.0 का पोर्ट फ्रंट पैनल का, और यहाँ पे फ्रंट पैनल का 3.0 का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ठीक ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे CPU का फैन का पोर्ट भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड का अगर मैं रिव्यू समराइज करूँ तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा मदरबोर्ड बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, अगर आपका पुराना मदरबोर्ड था GigaByte का या फिर Asus का कोई भी मदरबोर्ड हो दोस्तों, आप इस ज़ेब्रोन के मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है लुकिंग के साइड में भी और क्वालिटी के मामले में भी। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है, मैं इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इस मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही ज़ेब्रोनिस का 110 मदरबोर्ड परचेस करना चाहता है तो हेल्प कीजिए आपके दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके, और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमने पहली बार ज़ेब्रोनिस का कोई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग किया है। आपको कैसा लगा वीडियो वो नीचे कमेंट में हमें बताइए, हम उसको ज़रूर से रीड करेंगे। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है सौरभ, और अभी तक आप देख रहे थे अवर टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।